हाँ जी, तो आज हम आए अपनी एक मशीन पे, हाइजैक स्वामी के। तो हमने लगाई है हाइड्रोलिक पंप में गेजें, वो है P1, P2 और ये P3 पायलट पंप। ये गेजें क्यों लगाई हैं, क्योंकि कल हमारे पास इस ऑपरेटर ने वीडियो भेजी, उसमें पंप करता खड़खड़। तो हम अभी आए हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या परेशानी है। उसके बाद अगर हमें समझ आई तो आपको भी समझा देंगे क्या परेशानी है। उसके बाद दिखाएंगे अगर पंप खड़ा हुआ तो कैसे। तो देखा जी वीडियो में सारी सुइयां कर रही हैं डुक डुक, स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पंप के अंदर खराबी है, और खोलने के बाद ही पता लगेगा भी कौन कौन सी चीज़ सही हो चुकी हैं, कौन कौन सी बची हुई हैं। तो इसको उतारते हैं, खोल के देखते हैं। ओके जी, तो जी जब गेज लगाते हैं हमेशा ध्यान रखें, जो बड़ी गेज होती है वो लगानी है पंप में, जिसकी रीडिंग ज़्यादा है। और जिसकी कम रीडिंग है, इसकी देखो लास्ट रीडिंग 140 है और इनकी सबकी 700 है पहले वालों की। तो क्योंकि पायलट प्रेशर होता ही 30-35 बार के आसपास है, तो उसमें लगा देंगे हम 150 वाली। और जो मेन पंप का प्रेशर है वो है हमारा 350 के आसपास, तो इसमें लगाएंगे हम 700 बार वाली। P1 सबसे ज़्यादा हिल रहा है हमारा, और पायलट पंप की गेज हिल रही सबसे ज़्यादा। अरे दो टैल तो। तो ये कहना अभी आसान नहीं है भाई कि क्या चीज़ खराब हुई है, अंदर क्या टूटी है, जब तक इसको हम खोल नहीं लेते पंप को। तो सबको पंप को खोलने से पहले हम लोग ये सक्शन हाउस जो पायलट पंप वाली, इसको खोल के सारा तेल निकाल देंगे गैलन्स के अंदर, बड़े बड़े डब्बों के अंदर। और फिर ये एग्जॉस्ट, जो घेरे के बोल्ट होते हैं, हाउसिंग के बोल्ट, ये सारे पाइपें खोल लेंगे जी। पंप उतार के इसको डिसमेंटल करेंगे और फिर दिखाएंगे क्या इसमें दिक्कत है, और फिर उसको कैसे सुधारते हैं, कैसे पंप बनाते हैं, वो भी दिखाएंगे। तो कृपया वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब बंदे वीडियो देख के ना पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करें बगैर वीडियो काट देते हैं। कम से कम 2000 बंदा वीडियो देख रहा है एक एक वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब कर रहे हैं 20-20 बंदे। तो भाई लोगों ऐसी क्यों कृपा कर रहे हो, अच्छी वाली कृपा करो ना। ठीक है जी, तो इसको उतारने के बाद दिखाएंगे, क्योंकि इसमें दिखाने वाला कुछ नहीं उतारने के टाइम। सिर्फ हमने होज खोल लिया, होजिंग के बोल्ट खोल रहे हैं, सक्शन पाइप खोल रहे हैं, उससे पहले तेल निकाल लेना है। और ये सब करने से पहले मशीन अपनी अच्छी जगह पर लगा लें, स्टेबल पर सीधी हो मशीन, और बूम हमेशा नीचे रखा हो ताकि कोई कंट्रोल वाला पाइप खोलना पड़े तो उस टाइम हम पाइप खोल लें और तेल लाने के लिए। अगर बूम हवा में होएगा, आर्म हवा में होगी, बकेट हवा में होगी, और कंट्रोल से कुछ खोलना पड़ा तो हो सकता है वही पाइप खोलना पड़े जो बूम का है, तो उस टाइम प्रेशर नहीं रुकेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या जितनी मर्जी बड़ी इमरजेंसी हो बूम हमेशा नीचे रख लें। चलो भाई लोगों करो। तो दोस्तों गेज लगाने से पहले मैं कुछ बता रहा था गेजों के बारे में। ये देखो, ये गेज की जो लास्ट रेंज है काले रंग में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 140 और लाल रंग में लिखा हुआ है 2000। तो गेज को अगर बीच में देखोगे तो बीच में लिखा हुआ है kg/cm², उसके नीचे लिखा हुआ है लाल रंग से PSI। तो जो काले रंग से लिखा हुआ है वो जो काले रंग में ऊपर रीडिंग है उसके लिए लिखा हुआ है, जो लाल रंग का लिखा हुआ है ये लाल रंग की रीडिंग के लिए है। तो हमारा जो पायलट पंप का प्रेशर होता है 35 बार के आसपास होता है, प्लस माइनस 5 बार, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो उसमें अगर हम ये गेज लगाएंगे उसके लिए गेज सफिशेंट है, क्योंकि 40 बार यहाँ तक आ जाएगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी कारण से ख़राबी आई उस लाइन में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा 60, 80, 100, तो भी हमारी गेज की रेंज ज़्यादा है तो गेज फट नहीं पाएगी, क्योंकि ये देखो सेफ्टी दी होती है गेज के अंदर, तो गेज फटने से बच जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसी जगह पे सपोज़ करो 50 बार की गेज लगा दी, जिसकी पूरी रीडिंग 50 बार तक ले सकता है वो, और पहले ही हमारा कोई सिस्टम में ख़राबी है और उसका प्रेशर जा रखा है 60 बार, तो गेज लगाते ही यहाँ से बस्ट हो जाएगी, ये रबड़ सी निकल जाएगी और गेज आ जाएगी कंडम, बोले तो ख़राब, कभी काम नहीं करेगी। और ये जो तरल पदार्थ सा दिख रहा है, इसमें बुलबुला दिख रहा है, क्या होता है इसके अंदर, ये होता है ग्रीसलिन। गेज के अंदर ग्रीसलिन भरी होती है, क्योंकि ग्रीसलिन ना गाढ़ी सी चीज़ होती है, तो जब मशीन का प्रेशर लेते हैं हम तो सुई हल्की सी हिलती है, उसके कारण ये स्टेबल हो जाती है, हिल नहीं पाती, और इसके जो अंदर मैकेनिज्म है उनमें जंग भी नहीं लगता।
ठीक है जी। तो ये होगी पायलट की कहानी। अब आते हैं हम मेन लाइन की कहानी पे। ये है मेन लाइन की केजे। ये देखो इसमें जा रखा है लास्ट पॉइंट काले रंग वाला 700 तक। और जो 220 मशीन होती है, 2010 की जो मशीन होती है, जैसे 210, 215, ठीक है एक मिनट आया, 215, 225, 220 कोई भी है 2010 के आसपास की मशीन, तो उनका प्रेशर लगभग लगभग 350 bar के आसपास ही काम करता है, 300 से लेके 350 के आसपास। तो ये यहाँ पे 300 है, तो मुश्किल से 350 यहाँ तक आएगा, 400 के आसपास तक लास्ट। तो इसमें भी वही कहानी है, अगर किसी कारण से मशीन में कहीं ख़राबी आ गई और प्रेशर जा रहा है बहुत ज़्यादा हाई, हमें नहीं पता, और अगर हमने गेज लगा दी छोटी रेंज की जिसका प्रेशर लास्ट मान लो 300 के तक कैच करेगा, और जबकि मशीन में ख़राबी आ रखी है, हमने गेज लगाई तुरंत ही गेज फट जाएगी क्योंकि उसकी रेंज से प्रेशर बाहर चला गया। तो हमेशा गेज होल देख के लगाएं जिसकी रेंज जो हम चेक करने जा रहे हैं उससे दुगने साइज़ में हो कम से कम। अगर 300 तक का चेक करना है तो कम से कम 700-800 bar की गेज लगाएं ताकि आराम से उसके अंदर रीडिंग आ जाए और गेज का नुकसान ना हो, ठीक है जी। ऐसे ही गेज आती हैं लोडरों में जो उसका ट्रांसमिशन होता है उसके प्रेशर चेक करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं, हमने रिटर्न टैंक खोला है अपना, क्योंकि क्या होता है कि अगर पंप ख़राब हो जाए या कोई भी सिलेंडर ख़राब हो जाए, ट्रैवल मोटर ख़राब हो जाए, स्विंग मोटर ख़राब हो जाए, तो जो भी कचरा होता है सारा का सारा घूम के रिटर्न लाइन पे जाएगा। तो देखते हैं इसमें भी कुछ आया कि नहीं। ये देखो गौर से, गोल्ड दिख रहा, गोल्ड पीले पीले रंग का गोल्ड। ये देखो हल्के हल्के शायद दिख रहा होगा, निकाल देना ऊपर में बैठे रहो। ठीक है मेरे हाथ पे डालेगा। ये देखो बह के आ रहा है, ये जो पीला 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 दिख रहा है ना, ये प्लेट पे देखो, ये देखो जी प्लेट पे, ये एक गोल्ड नहीं है ये जो हमारे पिस्टन के शूज होते हैं ना पंप के अंदर, पिस्टन शूज होते हैं ये, वो उनका निशानी है कि वो ख़त्म हो चुके हैं और रोटर भी ख़त्म हो चुका है। और या फिर वाल ब्लेड भी पीतल की होती है, किसी किसी पंप में पीतल तो नहीं होता, मटेरियल पीतल जैसा ही होता है, वो ब्रास जैसा, तो हो सकता है उसी का हो। तो अभी हमें पता लग चुका है पंप में है ही ख़राबी। तो अभी हम सिर्फ सारा प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, बहुत लंबी वीडियो होती है, पंप को उतार के खोल के दिखाएंगे। प्रोसीजर यही है जो मैंने बताया, ड्रेन कर लेना सारा तेल, और उसके बाद हमने करना है जी पंप को रिमूव, सारी होज खोल के, और उसके बाद दिखाएंगे टैंक साफ़ करना है, नया तेल डालेंगे, नया पंप लगाएंगे, या फिर इसी को रिपेयर करके नया सामान डाल के लगाएंगे, और दिखाते हैं आपको बाद में। तो वीडियो को भाई पूरी देखा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब तो करते समय कर दिया करो, ठीक है। बता जरा, 15,000 बंदे एक वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने वाले कितने? 15 बंदे, ये क्या गड़बड़ है? बहुत गड़बड़ है जी, शेयर दब के करा करो, शेयर दब के करो, सब्सक्राइब भी करा करो, ठीक है जी। पूरी वीडियो देखा करो, तभी बंदे को भी इंटरेस्ट आता है ना अगली वीडियो बनाने में, पता चलेगा। तो पूरी वीडियो देखो, क्या किस तरह फॉल्ट पकड़ा वो भी मैंने दिखाया, अभी देखो गेज लगा के, और आगे क्या करना है वो भी देख। चलो भाई, तो हमने अभी जी ये देखो पायलट पंप का जो सक्शन पाइप होता है, ये मेन सक्शन पाइप है, उसी से एक और पाइप आ रहा होता है, उसको यहाँ से खोल के हमने डाल दिया इन बोतलों में, बड़ी बड़ी 20-20 लीटर के गैलन है छोटे छोटे, तो इसमें भी तेल जा रहा है, सारा तेल हमने एक करके एक करके एक करके सब में निकाल के जब जीरो हो जाएगा उसके बाद पंप को उतार लेंगे। तो सबसे आसान तरीका है हाइड्रोलिक ऑयल निकालने का। एक और तरीका होता है, मशीन को पूरा स्विंग कर लें, इस वाले हिस्से को घुमा के यहाँ ले आएँ, लेकिन हमारी मशीन पहले ब्रेक डाउन है, जब घुमा के इसको यहाँ ले आएंगे ना, इधर देखो नीचे ड्रेन प्लग दिख रहा होगा, शायद नहीं भी दिख रहा होगा, तो ड्रेन प्लग खोल के भी तेल निकल आता है। अब बचा कुचा सामान हम खोल के, ऊपर से हमने ये निकाल दिया जी बोनेट, इंजन हुड, और ये बचा कुचा पाइप खोल के सिर्फ पंप उतारेंगे। पंप को उतारने का आसान तरीका, इसको यहाँ से खोल दो तो आधा पंप आ जाएगा, फिर हल्का हो जाएगा, बचा हुआ आराम से निकाल लो, अगर जिसमें जोर है ताकत है वो पूरा भी निकाल सकता है, या मशीन है तुम्हारे पास, अपना अपना तरीका है, ठीक है जी।
तो अभी तक हमने जी सारे के सारे पाइप और ये पायलट पंप, ओए इसको हिलाओ, ये निकाल दीजिए पायलट पंप, क्योंकि इसको उठाएंगे जब हम कई बार टूट जाता है एल्यूमिनियम का, इसको रखो बच्चों साइड। तो हम लोगों ने देखो जी ये बोल्ट खोल दिए, वो इसलिए क्योंकि हमने पहले P2 जो पर पिछला पंप है यही निकालना, ये हल्का हल्का हो जाएगा ना, उठाने में आसानी रहेगी। आइए चलो गो। तो जी इन लड़कों की हेल्प से हमने वेट को लिया ऊपरी रोक, ये तरीका है आराम से दो हिस्सों में उतारने का, ऐसे पूरा पंप उतारना चाहिए, मेरे को देख के कोई कॉपी मत मारना, मेरा पंप चढ़ाने का तरीका भी अलग है उतारने का भी अलग है। ओके भाई गो स्लो स्लो गो। ओके कम है और टेक द हैमर, वेरी गुड, इन प्लेट ते ही रखा दे उधर। ओए अब नीचे आओ एक बंदा, अच्छा बहुत पसंद है ये आ गई जी इसकी वॉल प्लेट P2 की, जो कि हल्की हल्की घिस चुकी है और अब देखते हैं इसके अंदर पिस्टनों का क्या हाल है। एक तो देखो अंदर टूट गया, तो पूरा का पूरा यही मेटल ऊपर मैंने दिखाया था जब वीडियो स्टार्ट की थी, इसी का मेटल था वो, तो पिस्टन ही इसके अंदर अटक गया हमारा। दो हिस्सों में टूट गया, ये था शूज, ये होता ऐसे। ओके लेकिन इनमें भी प्ले पड़ चुकी है, तो हम इसको सारे को ही बदल देंगे और दूसरा देखते हैं खोल के उसमें क्या दिक्कत है। वैसे तो मेरे ख्याल से यही खराब है, लेकिन जब पंप बनाते हैं तो दोनों ही बनाने पड़ेंगे, एक नया एक पुराना नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो दोस्तों इसकी जो स्वास प्लेट है ये, और ये जिस पे स्वास प्लेट चलती है बॉडी की जो प्लेट है, ये भी स्क्रैच है हमारी और ये भी हमें बदलनी पड़ेगी। इसमें भी स्क्रैच है, इसमें भी स्क्रैच है, तो सारा का सारा रूटर का सेट स्वास प्लेट ही हम बदल के दिखाएंगे, पंप कैसे रिसेंबल करते हैं, तो पूरी वीडियो देखना जी। दूसरे पंप में भी यही दिक्कत है, P1 में, वो भी खोल के दिखाते हैं। ये है जी P1 का रेगुलेटर, जो हमारी टोपी अभी तक हमें मिली नहीं, इसका जो गोला सा होता है ना जिसके ऊपर ही चलते हैं, शायद इसी में ना फंसा हो कहीं। देखो ये यहाँ से टूट के इसमें जाके फंसा हुआ था, तो इसका रेगुलेशन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि रेगुलेशन क्यों नहीं हो रहा था, जब ये इसमें फंस गया पिस्टन हमारा सर्वो पिस्टन चल नहीं रहा था, सर्वो पिस्टन नहीं चलेगा तो स्वास प्लेट जो होती है ना, स्वास प्लेट का एंगल ही नहीं बदल रहा था, ये मिनिमम पे ही फंसी हुई थी, सॉरी ऐसे, तो तेल ही नहीं फेंक रहा था ये वाला पंप, प्रेशर ही नहीं आ रहा था इसका। तो अब ये निकल चुका है, इसको हम रिपेयर करेंगे, सारे को चेक करेंगे और दोबारा से पंप नए सिरे से बांध के दिखाएंगे, सब जगह मेटल ही मेटल भाग गया टूट टूट के। तो अभी P1 भी खोल रहे हैं लड़के नीचे, उसको भी चेक करते हैं, उसमें तो नहीं कुछ टूट गया, उसमें सब कुछ ठीक ही निकलेगा, लेकिन जब पंप बनाना है तो हमें दोनों ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक सी पावर चाहिए दोनों की, अगर एक नया हो जाएगा एक पुराना फिर भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए ये निकला है जी खिलौना और इसको हम खोलते हैं। पिक्चर भी लेना नहीं, सारे सामान भी जैसा हम बैठा। ये जी P1 हमने खोल लिया, अब इसको देखते हैं अंदर
कोई गिफ्ट तो नहीं है इसके अंदर? इसकी सिर्फ प्लेट प्लेट घिसी हुई है क्योंकि मेटल दूसरे पंप का इधर भी आ गया। ये वाला इतना ख़राब नहीं है लेकिन हम क्योंकि पूरा पंप बांधना है तो एक रूटर बदल नहीं सकते, दोनों बदलने पड़ेंगे, तुक्के नहीं मारते हम लोग। तो ये ठीक है, मतलब 100% नहीं ठीक, जैसे 60-70% ठीक है, ये चल रहा था अभी तक, लेकिन अब क्योंकि दूसरा पंप बांधेंगे तो उसके साथ इसको भी नया डाल देंगे रूटर, ताकि पूरे के पूरे दोनों पंप की एक सी पावर रहे, कोई दिक्कत ना आए। तो पंप बना के दिखाते हैं, हो सकता है वीडियो दो भागों में बनेगी, पूरी पूरी देखना तभी पता लगेगा अभी क्या दिक्कत थी, कैसे बनाया पंप। ओके जी, और ये आ गई है इसकी स्वास प्लेट P1 की, ये देखो कितना ज़्यादा दागी हो रखी है, घिस चुकी है, और जिस चीज़ के ऊपर चलती है वो चीज़ भी पूरी की पूरी घिस चुकी है। तो ये वाली बॉडी का पार्ट, ये वाला P1 की स्वास प्लेट, P2 की ये वाली स्वास प्लेट, ये सब बदलनी पड़ेंगी हमें, नहीं तो ये चल नहीं पाएगा। शू प्लेट धोने के बाद पता लगेगा, कोई स्क्रैच तो नहीं है, अगर ये ख़राब होती है ये भी बदलनी पड़ती है, शू प्लेट भी, ये शू प्लेट इसके ऊपर चलती है, या शू प्लेट के ऊपर ये चलते हैं। ठीक है जी, जब पंप बनाएंगे पूरी वीडियो फिर दिखाते हैं, पंप साफ करके रखते हैं एक बार, इसमें 2 घंटे लगेंगे कम से कम साफ करने में, और जब नई वीडियो पूरी बनाएंगे कैसे पंप बनता है फिर देखना, ट्रबल शूटिंग दिखा दी कैसे प्रॉब्लम पकड़ी, फिर इसको बांध के कैसे चेक करते हैं पंप सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितना प्रेशर आ रहा, पूरी वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पूरी वीडियो देखो। ओके जी, ओके पी के जी कर दो अपन, टेक। तो ये हमारी सारी चीज़ फेल हो चुकी है, रोटर का पिस्टन टूट गया, ये फंसा हुआ है इसके अंदर, तो ये रोटर भी फेल है, इसी का मेटल, ये टूट टूट के जो मेटल पड़ा है ये दोनों जगह चला गया, आगे भी चला गया टैंक में, वो भी साफ़ करेंगे हम। तो ये हो गया जी फेल, अब दूसरा पंप हम बांधेंगे, इसके अंदर नया रोटर डालेंगे, नए बॉडी के प्लेट और स्वास प्लेट डालेंगे। तो अभी पहले इसको हम ढंग से वॉश कर लें, उसके बाद दिखाते हैं पंप कैसे असेंबल करते हैं और फिर फिट करके दिखाएंगे। रेगुलेटर में हमारे में कोई कमी नहीं है, ये हमने चेक कर लिया बिल्कुल ठीक है, इनको हमने अच्छे से धो लिया और एक बार फिर से धोएंगे फाइनल, फिर दिखाते हैं पंप कैसे बनते हैं। और इसी का स्क्रैच मेटल आके वॉल प्लेट भी ख़राब कर दिया, उसमें बहुत स्क्रैच आ चुके हैं इस वाले में भी। दोनों पंप का तेल आपस में मिक्स नहीं होता, लेकिन जब टैंक में तेल जाएगा उसके बाद वापस आएगा उस टाइम तो मिक्स हो जाता है, और जो बारीक बारीक मेटल होता है वो फिल्टर भी नहीं रोक पाते कई बार, लिमिट से ज़्यादा जब बन जाता है तो तब इस करके तेल सारा ख़राब हो जाता है। तेल भी बदलेंगे हम और पंप का सामान भी, तो 2 पार्ट में वीडियो आएगी, पूरी पूरी वीडियो देखो तभी समझ लगेगा पंप कैसे बनता है और क्या क्या फॉल्ट होते हैं। ओके जी।